नमस्कार दोस्तों, आठवें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आई बड़ी अपडेट। बदल जाएगा आपका बेसिक पे। जी हाँ, बहुत ही बड़ी अपडेट, बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। 17 अगस्त को ये बड़ी अपडेट जो है शेयर की गई है। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में जुट चुकी है और आने वाले कैबिनेट बैठक में इसको लेकर ऐलान होने वाला है। जी हाँ, आपको बता देंगे मेन मुख्य मुद्दे जिस पर हम वीडियो में बात करेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा इसका फ़ायदा। क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बात करेंगे। कितनी बढ़ेगी सैलरी उसके बारे में बात करेंगे। 8 पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा वो जानेंगे। 7वें वेतन आयोग से कितना है फिटमेंट फैक्टर और उसके मुकाबले 8 में कितना होगा ये जानेंगे। 8वें वेतन आयोग से क्या क्या चीज़ें बदलेंगी विस्तार से वीडियो को जानेंगे। सभी पेंशन धारकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में देखिए, लेकिन विस्तार से देखिए, बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि 8CPC के फायदे आप सभी के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही पेंशन धारकों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा। JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन में लगभग 39 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार कर दे दिया है। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग में उठाया गया था और ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सहमति जता दी थी। आने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके ऐलान होने की उम्मीदें हैं। कितनी बढ़ेगी सैलरी और जो है सारी चीज़ें। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेंशन और सैलरी को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है। 8वें कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तब से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग में होने वाला या नहीं इसको लेकर तरह तरह की न्यूज़ हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये होगा। वहीं पर पेंशन भोगियों की बात करें तो उनके न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 है। 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक पेंशन हो जाएगी 17,300। इसके ऊपर समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में कितना है फिटमेंट फैक्टर, आप सभी जानते हैं 2.57 है। 3.68 की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिल पाया। 8वें वेतन आयोग से क्या क्या चीज़ें बदलेंगी ये भी आप जान लीजिए। 8वां वेतन आयोग आने से कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बेसिक बदल जाएगी। महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा और इसके साथ भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने से हर एक कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25 हज़ार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अहम है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। जय हिंद, जय भारत।